अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अहबाब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तफादा हासिल करें। माशाल्लाह इस टाइम दोपहर का टाइम है, 3-4 का टाइम है, फिर नंगी पैरी खलोती है छत पे, तो फर्श ठंडा ठा रहे। अस्सलाम वालेकुम। जिस जगह टेम्परेचर नहीं, जिस जगह सोलर कोटिंग नहीं लगाई वहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं जी। 56.8, 57.3। जिस जगह सोलर कोटिंग लगाई है बिल्कुल साथ वाली जगह ही है, 47 है, 45 है, 45.3। अभी हम नीचे जाके भी चेक कर लेते हैं कि नीचे जहाँ पे लगाया वहाँ पे क्या टेम्परेचर है और जहाँ पे नहीं लगाया हुआ है उधर क्या पोजीशन। अच्छा, मैं ये पहुँच गया जी नीचे। ये कॉर्नर था जी, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ था, इधर चेक करते हैं ऊपर। यहाँ इस कॉर्नर पे ना, यहाँ पे उधर ऊपर था 57 के राउंड अबाउट, और बिल्कुल इसी के साथ इस एरिया में लगा हुआ था। इधर चेक करते हैं, देख लें, फिर 36.2 बिल्कुल मिड में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं 34.6, यानी मोर देन 10 सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अंदर आएंगे ज़रा, ये उस जगह पे है जहाँ पे फुल धूप है इस वक्त, ठीक है। आपको पता नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, 32.5, ऑलमोस्ट 14 सेल्सियस तक का डिफरेंस है। तो व्यूअर्स, आप इसको, मेरे पास ये डिवाइस है, लेज़र टेम्परेचर गन है, तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे ये देख लें कि नीचे जो टेम्परेचर है ना, ये 32.2 है और 3:33 हुए हैं और आज संडे है जून। तो इसके ऊपर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर क्या है टेम्परेचर, 33.2 है। दीवार का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, 29 है, यानी दीवारें भी इसकी ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हवा नीचे आती है। टेबल का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं, 30। ज़मीन का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, यानी नीचे ठंडक इसकी ठीक ठाक हो जाती है। अच्छा, कोई बंदा भी अगर ये टेम्परेचर चेक करवाना चाहता है तो ये चैलेंज है उसके लिए, बेशक अपनी डिवाइस ला के चेक कर ले। दूसरा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुजहान फार्मेसी में भी ये सोलर कोटिंग की है, वो टोटली लोहे की चादरें सारी लगी हुई हैं। उधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, किसी भी वक्त कोई भी बंदा जाके हाथ लगा के उधर चेक कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है माशाल्लाह। तो जेन्युइन चीज़ है, बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश में भी ये सोलर कोटिंग उसी तरह ही, मैंने 2 जून को लगाई थी, आज मेरे ख्याल में 27 जून है, तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट काम कर रही है।